माँ मैं उड़ना चाहता हूँ, माँ मुझे जाने दो, माँ मैं इस अंधकार से निकलना चाहता हूँ, माँ। देखो भाई कितना इजीली आप ऑपरेट कर सकते हो आप सफारी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है टाटा सफारी की डार्क एडिशन है, कॉम्प्लेक्स प्लस वेरिएंट, सबसे टॉप वेरिएंट है, लेकिन ये ऑटोमेटिक है। अब ई शिफ्टर मिल जाता है आपको इसमें, वो मैं दिखाता हूँ अंदर से। तो पूरी डिटेलिंग में मैंने इस कार में बात की, अगर आपने मेरा जस्ट रिसेंट वीडियो देखा होगा तो ये है टाटा सफारी कॉम्प्लेक्स प्लस की विदाउट डार्क एडिशन, मैनुअल है ये, मैनुअल सबसे टॉप। तो इसका वीडियो आप देख लीजिए, एकदम डिटेल में है। इसमें से हम क्या क्या डार्क एडिशन में चेंजेस उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, एक एक फीचर्स पर नहीं जाएंगे, बिकॉज उसका वीडियो आप जाके देखिए तभी तो वीडियो ज़्यादा चलेगा। तो इसका फ्रंट लुक आप देखिए, डिफरेंस में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो उसमें बॉडी कलर मिल जाता है आपको, तो भाई अलग से डिफरेंस समझ में आता है, बट इसमें क्या ही समझ में आएगा आपको। बॉडी भी ब्लैक है, ये भी यहाँ पे आप देखेंगे तो पियानो फिनिश मिलती है आपको, थोड़ी धूल लगी करके दिख नहीं रहा है। यहाँ पे रडार, वहाँ पे एडास, सॉरी कैमरा बेस्ड एडास, यहाँ पे रडार बेस्ड वर्टिकल लाइट सेटअप आ गया है। सफारी की बैजिंग है यहाँ पर भी, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एलईडी प्रोजेक्टर एंड यहाँ पे एलईडी आपको फॉग लैंप, यहाँ पे आपको एयर कटिंग फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। एंड इसकी चाबी कौन सी है, इस शेप पे क्या, हाँ इसको अनलॉक किया, वेलकम फंक्शन। ये इसका गुड बाय फंक्शन। फ्रंट में कैमरा, यहाँ पे डोर में सफारी की बैजिंग, फॉन्ट काफ़ी अच्छा है, डार्क एडिशन की बैजिंग, एरोटिन वाइपर, कैमरा बेस्ड रडास, सनरूफ, पियानो ब्लैक, इसमें भी वॉल्यूम्स पे, यहाँ पे भी कैमरा इंडिकेटर्स वॉल्यूम्स पे, रिक्वेस्ट सेंसर, ये देखो। अच्छा ऑलरेडी लॉक थी, सॉरी अब अनलॉक करता हूँ, उसका वेलकम फंक्शन देखो। अब क्या सेक्सी लग रही है भाई टाटा की बैजिंग। यहाँ पे सेंसर इसका यहाँ पे काम करेगा कि नहीं पता नहीं, इसका कैसे करता है। टेलगेट जेस्चर एक्सेस जो कि मेरे से हुआ नहीं, मैंने ट्राई किया, किकिंग योर फुट अंडर द सेंटर ऑफ बम्पर, की फोब एक्सेस, टेलगेट बजर, ये टेलगेट का है। ओके ऐसे आपको ओपन करना है, अपन इसको ही प्रेस कर देते हैं, यहाँ पे बटन है, देखते हैं यहाँ पे टकराए ना, नहीं टकराएगा। तो यू कैन ओपन इट लाइक दिस। 70 लीटर का बूट स्पेस, एक भी सीट जब फोल्ड नहीं रहेगी, और जब सब कुछ फोल्ड कर दोगे तो मेरे ख्याल से 480 करीब इसमें हो जाता है, 450 से 480 करीब हो जाता है। रियर में आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, लास्ट रो में बीच वाली सीट भी फोल्डेड है। 7 सीटर वेरियंट है ये, यहाँ पे सी टाइप, ए टाइप, यहाँ पे छोटा बॉटल रख सकते हो 10 रुपये का, यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस है ना, लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाती है आपको, एडजस्टेबल हेडरेस्ट सभी सीट के लिए। अगर आपको बोट को बंद करना है तो जस्ट इसको प्रेस कर दो, पावर टेलगेट मिल जाता है भाई, बहुत सही भाई, प्रीमियम फीचर्स। प्यार से बंद हो जाएगा अंदर पे। सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आपको चारों ही, रियर डिफॉगर, हैरियर, सफारी ये खड़ी है, हैरियर ये आ रही है, ये देखो। एंड ये कौन है, अल्ट्रोज है क्या, अल्ट्रोज और नेक्सॉन, टियागो एंड टिगोर अभी नहीं है लिस्ट में बिकॉज आउटडेटेड हो गई है। हाई माउंट स्टॉप लैंड, शार्क फिन एंटीना, ये वाइपर, वॉशर है ना, वोकल फॉर लोकल, रियर लुक, 2 पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे भी आप देखोगे तो पियानो फिनिश के साथ आपको दिया गया है। बाकी जो रिसेंट वीडियो में आपको बोला जिसमें डिटेल में आपको बताया, उसमें आपको सिल्वर कलर का मिलता है, तो भाई काफ़ी अच्छा लगता है। एक आपको उधर पर एग्जॉस्ट, ये आपका 16 इंच का आपका स्पेयर व्हील, 19 इंच का तो इसमें आपको टायर मिल जाता है। टायर प्रोफाइल आप देखोगे कहाँ पे मेंशन्ड है, ये 245 इसके विड्थ है, 55 इसके टायर प्रोफाइल है, 19 इंच का ये अलॉय है। देखो भाई इसका डिज़ाइन काफ़ी ब्लैक कलर में है, अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा अंदर तरफ है तो काफ़ी सही डिज़ाइन लगता है इसका, चारों ही डिस्प्ले मिल जाती है। दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। ये इसका इंटीरियर है, देखो वेलकम फंक्शन मिलता है, बिना बोले ही अपने आप काम कर रही है बेचारी, बहुत सुंदर आ रहा है ना। तो मेमोरी फंक्शन में मिल जाता है, यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, सीट एडजस्टमेंट 3 लोग के हिसाब से, यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट दोनों ही में, दोनों सामने, मतलब अगर आप 6 सीटर वेरिएंट लोगे तो पीछे भी आपको दोनों सीट में आपको वेंटिलेशन मिलेगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो सीट को, बहुत स्मूथ मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। लाइक ये देखो, ये देखो ई शिफ्टर, ये है ई शिफ्टर, इसमें आपको इसको मूव नहीं करना पड़ता। वॉट यू हैव टू डू इन दिस, लेट मी टेल यू। भाई बहुत गर्मी है, ब्लैक है तो और हीट हो रही है। सीट्स काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल है। अरे रुक जाओ, चालू कर रहा हूँ अभी कार को मैं। देखो पी में है ना अभी, 12.3 इंच का, 10.3 इंच का, 10.25 इंच का। सॉरी भाई, बंद हो जाओ, प्रेस करके आपको रखना पड़ेगा, बंद करना है। अगर आप एक बार बस प्रेस करोगे ना तो चालू हो जाएगा, है ना, जैसे कि, लेकिन अगर आपको इसको बंद करना है तो यू हैव टू प्रेस इट लाइक दिस, छोड़ दोगे तो नहीं होगा। 360 डिग्री कैमरा, टच रिस्पॉन्स अच्छा है भाई। ये तो डिस्प्ले तो बहुत HD है। यहाँ पर रिफ्यूल, ट्रिप इन्फो, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप ए ट्रिप बी, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ड्राइवर असिस्ट देखना है कि क्या, फिर व्हीकल इन्फो यहाँ से देख सकते हो। नेविगेशन यहाँ से आपको कनेक्ट एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले करना पड़ेगा, एंड डेस्टिनेशन सेट करना पड़ेगा टू व्यू मैप। रेडियो, नो नोटिफिकेशंस, सेटिंग्स, ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप सेटिंग में जा पाएंगे। डायल व्यू में भी आपके पास 3 ऑप्शन है, ऐसा भी देख सकते हैं। सेटिंग में गए, डायल व्यू पे गए, एंड डिजिटल फर्स्ट व्यू, सेकेंड व्यू कैसा है, फुल डिजिटल व्यू ऐसा है। देखिए मैंने बोला यहाँ पे देखो भाई टच, ये आपको बहुत मेंटेन करके रखना पड़ेगा ये चीज़। पियानो ब्लैक फिनिश है भी, एंड ये भी एक साउंड सिस्टम तो बहुत तगड़ा भाई, 10 JBL सेटअप मिल जाता है। एक स्पीकर यहाँ पे, 4 स्पीकर डोर्स पे, 4 ट्विटर्स डोर पे, एंड एक सबवूफर आपको पुट पे। पहले 9 JBL सेटअप का, पहले 9 JBL स्पीकर का सेटअप मिलता था। यहाँ पे सॉफ्ट टच, ये भी सॉफ्ट टच, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। एम्बिएंट लाइट आप देख लो भाई, इसके भी कलर आप जाके चेंज कर सकते हो। 12.3 इंच का ये डिस्प्ले है, कहाँ है इसका सेटिंग्स, मोड लाइट, देन यू कैन चेंज कलर फ्रॉम हियर, सी, ये वाइट हो गया, ये ऑरेंज हो गया, तो ये भाई ये भी चेंज कर सकते हो भाई, बहुत सेक्सी लग रहा है ये। देन अब बटन्स कम कर दी गई हैं, इसको ऑपरेट करना काफ़ी आसान है, आप सीख सकते हो इसको भी ऑपरेट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इसमें आपको मोड लाइट मिलती है सनरूफ की साइड पे, सराउंडिंग्स में, ऑटोमेटिक आरवीएम, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक आपको क्या बोलते हैं रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलाइट सेटअप, पुश स्टार्ट स्टॉप की बटन। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, सही है। एंड ई शिफ्टर कैसे काम करता है दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर आपको प्रेस करने के लिए दिया है, इसको आपको ये इसको नीचे प्रेस करना रहता है, ये देख रहे हो, ये नीचे तरफ उठाना नहीं है, इसको डाउन तरफ प्रेस करना है, देन आप इसका चेंज कर सकते हो। डी पे आ गया ये, ठीक है, आगे प्रेस करोगे तो ये आर आ गया, रिवर्स, एक बार पीछे करोगे तो न्यूट्रल पे आ गया, डी पे आ गया। अब आप सोच रहोगे भाई पी पे कैसे जाएं, तो साइड करने का सोचोगे, तो साइड नहीं करना है आपको, जस्ट इसको प्रेस करना है, ठीक है। एंड ये सुने आवाज़, इससे पार ब्रेक अप्लाई होता है, ऊपर करने से आप ब्रेक दबा के रखोगे, ब्रेक दबा के ही करना रहता है, पार्क ब्रेक अप्लाई आपको। एंड ई शिफ्टर भी आपको ब्रेक दबा के ही चेंज करना है। डायल व्यू आप देख सकते हो, वो वॉइस असिस्ट अभी बंद है भाई। ग्राफिक देखो, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ तो बहुत सही भाई। तो ये ऑटो होल्ड भी आपको इसमें मिल जाता है, ये लेदर फिनिश होता है आपको, आर्मरेस्ट स्लाइडेबल नहीं है। यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस, कूलिंग का ऑप्शन भी है, 3 USB है, USB C, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे 45 वॉट का आपको C टाइप मिल जाता है, USB A मिल जाता है यहाँ पे, एंड डुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल क्या होता है कि एक तरफ के लिए आप डिफरेंट टेम्परेचर, इस तरफ के लिए टेम्परेचर, दोनों तरफ सेम टेम्परेचर रखना चाहते हैं तो आप ये सिंक बटन दबा देंगे तो ये सिंक हो जाएगा, दोनों तरफ सेम टेम्परेचर चलेगा। दिखाऊं कैसे? सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। जैसे कि मैंने फैन ऑन किया, ठीक है, टेम्परेचर बदल रहा हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करोगे इसी पे तो ये ओपन हो जाएगा। एक मिनट, ये देखो इधर 23, इधर 22.5, बिकॉज सिंक बंद है तो अपन दोनों तरफ का टेम्परेचर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फैन स्पीड आपको यहाँ से चेंज करना है, ठीक है, ये आपका इंडिकेटर का है, हैजार्ड लाइट का है, सॉरी। एंड आपको ऑफ करने के लिए इसको प्रेस करना रहना पड़ेगा, बताया जैसे कि मैंने। यहाँ से भी आप इसी बंद कर सकते हो, यहाँ से भी आप देखो ऑरेंज मतलब जल रहा है, वाइट मतलब बंद है। तो अगर आपको सिंक करना है, देखो दोनों तरफ 22 डिग्री हो गया, सिंक ऑन है तो सिंक बंद कर दूँगा तो ये डिफरेंट कर सकते हो आप, लाइक दिस। एंड इसको बंद करने के लिए आपको प्रेस करके रखना ऑफ बटन, तो ये पी पे है, अपन इसको करते हैं बंद, ये तो चालू हो गई, सॉरी इसको बंद कर दिया। डोर पे भी आपको अच्छी खासी फिनिश मिल जाती है लेदर की, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है कार का। इसको बंद कर देते हैं। तो मैं बता रहा था साउंड सिस्टम एक बाद में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, हम इसको यूज़ करके देखते हैं। इसका यूआई काफ़ी बेहतरीन है, Amazon Alexa, Android, Apple CarPlay, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ USB कनेक्टिविटी भी है, USB चार्जिंग भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हैं। डिसेंट कंट्रोल यहाँ से दिया गया, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट जो रहता है, जो आपको हिल चढ़ते समय करता है हेल्प, वो ऑटोमेटिक ऑन रहता है। वो ब्रेक छोड़ेंगे तो एक 2 सेकंड तक होल्ड करके रखता है। हिल डिसेंट कंट्रोल क्या होता है, नीचे जाते समय आपको एक स्पीड आपकी कार उतरती है तो ब्रेक आपके जो आप लगाते हैं तो घिसते हैं, गरम ज़्यादा होते तो वो नहीं होते उसमें। यहाँ से इकोनॉमी मोड, यहाँ से स्पोर्ट्स मोड, मीडिया एंड ऑटो, एप्पल कार पे, Amazon Alexa, EQI मिल जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख सकते हो, है ना। मीडिया, यहाँ से फ़ोन सेटिंग, भाई क्या JBL मोड्स मिल जाते हैं आपको, काफ़ी सारे JBL मोड्स मिल जाते हैं। आप देखो 1, 4, 7, 10, 13, खतरनाक भाई। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो व्हीकल वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन है। सेटिंग्स में जब आप आओगे, ऑडियो कनेक्टिविटी, ड्राइवर असिस्टेंस, ये सब आपके एडास वाले फीचर्स हैं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर क्या होता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। इंडिकेटर आप चालू करोगे ना, सॉरी ये तो वाइपर है, ये देखो इंडिकेटर यहाँ से चालू होता है, ये लेफ्ट का इंडिकेटर चालू हो गया एंड ये राइट का, तो राइट का आपको दिखाता है, राइट साइड दिखाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर ये होता है, इसको बंद कर दिया मैं, इंडिकेटर बंद। पार्क असिस्ट भी है यहाँ पे, फ्रंट ड्राइवर असिस्ट भी है। तो यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो व्हीकल में जाओगे तो यहाँ पे सीट्स में क्या है, वही वेलकम आपको फंक्शन मिलता है ना, ये वाला सीट आगे पीछे होती है अपने आप, तो आप ये यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। शेयर माई लोकेशन, साउंड है, मैं पर सुन लेते हैं। बेस तो खतरनाक आ रहा है। इसमें हॉर्न प्रेस करना काफी इजी है, ये देखो कितना आसान है। आप आराम साइड से इसको प्रेस कर सकते हो, यहाँ से भी प्रेस कर सकते हो, तो हॉर्न प्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी सारे इसमें फिंगरप्रिंट्स आपके आ जाएंगे कार में, कोई भी पकड़ सकता है अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो आपकी कार से कहाँ फिंगरप्रिंट मिटाते रहोगे। यहाँ तक ये मिड लाइट जुड़ी हुई, देखो बहुत सही डिज़ाइन दिया गया भाई, डिज़ाइन के मामले तो बहुत सही। फिट एंड फिनिश, पैनल गैपिंग थोड़ा सा इंप्रूव हो सकती है, क्वालिटी चेक, बाकी सब बहुत तगड़ा है। इसको बोल देता हूँ, माँ मैं उड़ना चाहता हूँ, माँ मुझे जाने दो, माँ मैं इस अंधकार से निकलना चाहता हूँ, माँ। बाय गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट। इस शिफ्टर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया ना, हाँ ओके। और कुछ बचा गया? यस, इसमें आपको कूल टूल बॉक्स नहीं मिलता है, स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है। बाकी तो अंदर से बाकी सब कुछ सेम है, मेन तो यही था सब, है ना, जो कि मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। सो गाइस, सिटिंग पोजीशन एंड एवरीथिंग, कैसा स्पेस है पीछे मैंने वाले में बता दिया है। देखो आपको ये भी मिल जाता है एक नया, इसको भी आपने थोड़ा मेहनत करके ऊपर फंसाना पड़ेगा जब भी धूप लगे आपको सो गाइस एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए एंड रिसेंट वीडियो जाके देखिए, थोड़ा ज्यादा अच्छी डिटेल में मैंने बताया, मतलब पीछे जाके बताया, बाकी सब तो इसमें ही बता दिया मैंने क्या क्या इसमें मिलता है आपको। पावर टेलगेट एंड ऑल फीचर्स की लिस्ट मैं आपको डाल दूंगा, मतलब लाइक एडास में क्या क्या मिलता है आपको, एंड लेन डिपार्चर असिस्ट अभी आने वाला है, वो टेस्टिंग पे अभी, एंड बाकी सब तो मैंने बता ही दिया है। तो भाई कैसी लगी आपको टाटा सफारी, कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको टाटा सफारी नई वाली फेसलिफ्ट। ब्रेक लग गया है, पार ब्रेक अप्लाइड, ये देखो इतनी आवाज आती है। और नेक्सॉन रेड कलर में 2500 में इतनी। रिफाइनमेंट भी अच्छा है, अंदर पता नहीं चलता, बाहर से थोड़ा इंजन क्लैटरिंग आपको साउंड आएगा, लेकिन अंदर से बहुत कम। भाई एकदम बैठने में एकदम प्रीमियम फील हो रहा है भाई, मजा ही आ गया, कोई बायस रिव्यू नहीं था भाई। बहुत ही सेक्सी लगी भाई ये कार मेरे को, बहुत ही सेक्सी। ये भी लेदर फिनिश है भाई, क्या बोलूं यार, बहुत लाइट हो गई स्टीयरिंग। सफारी